नमस्कार दोस्तों, नागपुर के जी सिंथ म्यूजिका इंस्ट्रूमेंट लर्निंग सेंटर के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक भजन सीखेंगे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, वो हम फ्लूट पर सीखेंगे। पहले मैं आपको उसको प्ले करके बताऊंगा, उसके बाद में हम उसे सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं पहली लाइन से। यहां पर पहली लाइन लिखी हुई गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ये लिखी है पहली लाइन। हम आप पहली लाइन बजाएंगे, रे ग ग ग ग ग रे सा रे रे ध सा सा। सेकेंड लाइन है गोविंद बोलो गोपाल बोलो, फिर से ये है ग प प प प प ध ग प प। नेक्स्ट लाइन है थर्ड लाइन, प ध सा ध सा ध प ध सा ध सा सा। और लास्ट लाइन है रे ग ग ग ग ग रे सा रे रे ध सा सा। तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ये काफी इजी है, आप थोड़े से प्रयासों के साथ इसे बजा सकेंगे। मैंने यहां पर लिख दिया है, नीचे भी लिखा हुआ है और नोट्स भी पूरे लिखे हुए हैं। इस ट्यूटोरियल में एक चीज हम आपको नई बताना चाहेंगे कि जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कर्व लगा हुआ है, रे ग के बीच में कर्व है और ये ध सा पर कर्व है। इसका मतलब होता है कि उन नोट को हमको एक मात्रा में बजाना होता है, मतलब ये जो नोट बाकी के हैं इनसे थोड़ा सा उसको फास्ट बजाना होता है। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको पता हो ही है कि डॉट नीचे होता है तो ये लोअर नोट है, ये डॉट ऊपर है सा पर, इसका मतलब ये हायर सा है। बाकी सारी चीजें आपको इसमें समझ में आ गई है, मैं आपको एक बार फिर से बजा करके पूरा सॉन्ग बता देता हूं। ये पहला ध्यान में रखिए, रे ग जो है वो इस ढंग से बजेगा, इस ढंग से ये रे ग बजेगा और ये जो ध सा है ये भी थोड़ा फास्ट बजेगा। हम तो अब उसमें मधुरता थोड़ी आएगी आपके भजन में, तो सुनते हैं एक बार पूरा हम फिर से।
इसी के साथ हमारा ये ट्यूटोरियल समाप्त होता है। अगले ट्यूटोरियल के लिए आप कृपया प्रैक्टिस करते रहिए। अगले ट्यूटोरियल में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। नमस्कार।